सूर्यवंशी कुमरावत समाज द्वारा 5 दिवसीय कार्यक्रम पूजन अर्चन व कलश यात्रा के साथ संपन्न हुआ। आज पंचम दिवस पर प्राण प्रतिष्ठा एवं सर्व समाज का भोजन भंडारे का भी आयोजन किया गया। 1 करोड़ रुपए की लागत से बने श्री राम मंदिर पुनर्निर्माण के अवसर पर पंच दिवसीय कार्यक्रमों के साथ संगीत निशा, भजन संध्या, कवि सम्मेलन, रामचरितमानस पाठ, सुंदरकांड आदि कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया। सर्व समाज द्वारा भोजन भंडारे में बड़ी संख्या में भाग लेकर सामाजिक एकता का परिचय भी ग्रामीण क्षेत्रों के निवासरत लोगों ने दिया। समस्त समाज के समाज बंधुओं द्वारा इस भोजन पुण्य लाभ में उपस्थित होने पर सूर्यवंशी कुमरावत समाज ने सभी आगंतुकों का आभार माना। बरूर से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। ये हमारे पूर्वजों द्वारा सूर्यवंशी कुमरावत तंबोली समाज द्वारा हमारे पूर्वजों ने संवत विक्रम संवत 2011 में स्थापित किया था, जिसका अभी हमने पुनः निर्माण करके भगवान श्री राम का 5 दिवसीय उद्यापन स्थापना दिवस कार्यक्रम चल रहा था, जिसका आज पूर्ण आहुति के साथ में भंडारा हो रहा है। महेश कुमरावत। आज हम कुमरावत समाज के ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति से मिला रहे हैं जिन्होंने श्री राम मंदिर न्यू के लिए अपना तन मन धन और सहयोग में किसी भी चीज़ का निसंग काम किया है। ऐसे मैं बंदे से आपसे मिलाता हूँ। आपने मंदिर का कैसा कार्य करवाया? मंदिर का पुराना मंदिर था ये, जिसको हमने उसका वापस निर्माण की एक समिति बनाई, जो समिति बना के कुमरावत समाज द्वारा एक समिति बनी और समिति के द्वारा इसका पुनः निर्माण का निर्णय लिया गया और पुनः निर्माण इसका वापस किया गया। आपका इसमें क्या योगदान रहा है? मैंने अपना सहयोग अपने प्रभु इच्छा से जितना सहयोग मेरे से बन सका मैंने अपना सहयोग दिया। हाँ, कुमरावत समाज का ये कहना है कि आपने तन मन और धन से सहयोग करा और पूर्णतः 3 वर्ष तक लगातार इसमें सहयोग किया है। वो अपनी अपनी इच्छा है प्रभु, जैसे जिसने जो भी बोला, मेरे को जो लगा मैंने अपना तन मन से अपना सहयोग किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।